हाउ डिड योर फैमिली एंड हिज फैमिली एक्सेप्टेड इंटरकास्ट मैरिज? यूट्यूब के जो भी लोग अर्निंग पूछते ना, बताओ क्या अर्निंग है, कितना कमाते हो, आर यू प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ इंडिया सून? अरेंज मैरिज की प्रॉपर एक मेरी रिश्ता मीट हुई थी जहाँ पे मैं लड़के से मिली थी. Who is running your business, Kashmana? What is the main difference in your life after getting married versus before getting married? How long did it take you to get 1000 subscribers on YouTube? Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. This video idea credits goes to one of my subscriber. Her name is एकता मुंद्रा. आई होप मैं आपका नेम ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ. सो उन्होंने मेरे रीसेंट वीडियो पे कमेंट किया था, मेक वन वीडियो अबाउट यू एज वेल, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर हैव यू स्टडीड, फैमिली, फील्स लाइक वी डोंट नो यू. एंड देन आई फेल लाइक हाँ यार, काफ़ी टाइम हो गया मैंने गेट टू नो मी टैग नहीं बनाया अपडेटेड वन, बिकॉज पुरानी वीडियोज तो बड़ी डाउन हो जाती हैं यूट्यूब में. वैसे भी आजकल इतना नया कॉन्टेंट आता है ना यूट्यूब पर, पुरानी वीडियोज कोई देखता भी नहीं है. सो देयर यू गो, इट इज़ एन अपडेटेड गेट टू नो मी टैग. ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है जो रिसेंटली जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ न्यू टू माई YouTube family. By the way, this is going to be a Q&A style get to know me tag. मैंने recently Instagram पर भी story डाली थी कि किसी का comment आया तो जरा पूछ लो मेरे बारे में, जिन जिन को पूछना है, और काफी सारे question आए थे. So we have a lot of question related to marriage, family, husband, career, study, YouTube. So मैं सबके answer देने वाली हूँ आज. And apart from that, I'll be creating a look as well. Please take a moment, subscribe to my channel. Your girl is making continuous long form videos from my busy schedule. I'm trying my best कि मैं ज़्यादा long form videos डालूँ. So yeah, please help me support. Support me, subscribe to my channel, like this video if you find it helpful till the end, and now let's go. So I've already washed my face before I start with skincare or makeup. Let me just remove the hair first because मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे upper lips की growth आई हुई है, मेरी eyebrows यहाँ से excessive hair काफ़ी आ गए हैं. मैंने COVID के बाद I think सिर्फ एक बार अपनी शादी के time eyebrows और upper lips करवाए थे with that threading tool, उसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं करवाती. Because जब भी कहीं जाना होता है ना, वो एकदम sudden plan बनता है, and I don't have a time कि मैं पहले parlor जाऊँ, upper lips कराऊँ, eyebrows कराऊँ. मैं ज़्यादा shape भी नहीं देती eyebrows को अपने, मैं ऐसी full eyebrows रखना prefer करती हूँ because आजकल fashion में भी यही है. Same for upper lips, भी आ जाते हैं और फिर टाइम नहीं होता. सो आई प्रेफर ऐसे एट होम वाले ट्रिमर्स. सो आई बी यूजिंग दिस विंस्टन का फेस एंड आईब्रो ट्रिमर. आई हैव ऑलरेडी यूज देयर आईब्रो ट्रिमर, मेरे पास वो रखा भी हुआ है. सो ये 2-in-1 है, दिस इज फॉर फेस एंड आईब्रोज. 2-in-1 कैसे है मैं बताती हूँ. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. ये कुछ इस तरह से दिखता है. लव द क्वालिटी एंड पैकेजिंग, वी हैव एवरीथिंग राइट ओवर हियर. छोटा सा जैसे लिपस्टिक साइज का ये प्रोडक्ट है, कुछ इस तरह से दिखता है. सो दिस इज बेसिकली फॉर फेस. ये जो इसके ऊपर बड़ा वाला ट्रिमर है, दिस वन इज फॉर फेस. आप इसको डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर लगा सकते हो, लाइक फॉर पीच फर्स, अपर लिप्स, आईब्रोज. लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली लाइक ये वाला जो एरिया होता है, बिकॉज यहाँ पर आप इतना जो बड़ा हेड है नहीं डाल सकते, इट कैन टग योर स्किन, या फिर थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है और कभी कभी आपकी आईब्रो भी खराब हो जाएगी अगर आप बहुत मोटे हेड्स आईब्रोज बनवाओगे. So we have another tool inside it which is for our eyebrows specifically. So this is for our eyebrows. ये एक छोटा टूल आता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर इसको एडजस्ट कर देना है. सो यू कैन रिमूव दिस. ये मैंने इसको रिमूव कर दिया और अब इसकी जगह मैं ये छोटे वाला टूल लगाऊंगी, एंड देन आई कैन डू माई आईब्रोज ईजिली. यूएसबी वाली, आप कोई भी अपने फ़ोन चार्जर में इसको लगा सकते हो, और इस साइड से आपको इसको नीचे से प्लग इन करना है. वी हैव टाइप सी केबल ओवर हियर. ये जो ट्रिमर्स होते हैं, इनको यूज़ करने का तरीका क्या होता है ऑन ड्राई स्किन. होप एवरीथिंग इज विजिबल. थोड़ा और जूम इन कर देती हूँ. कैन यू सी आई हैव हेयर ग्रोथ हेयर. सो उसको कुछ नहीं करना, आई बी जस्ट स्विचिंग इट ऑन. यहाँ पे ये यहाँ पे बटन भी है, इससे आपको पता चल जाएगा. यू कैन हेयर द साउंड, कितनी तेज़ इसमें साउंड आ रही है. सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुल अ लिटल, ताकि थोड़ी स्किन आपकी स्टिफ हो जाए. द बेस्ट पार्ट अबाउट विंस्टन हेयर ट्रिमर इज अ 3D कटिंग टेक्नोलॉजी. इट इरेजेज द हेयर माइक्रोस्कोपिकली. बहुत पास से ये आपके जो भी बाल होते हैं क्लोजली उसको रिमूव करता है. इट मेक्स 10,000 रेवोल्यूशन पर मिनट. सो मैंने इसकी बॉडी अब चेंज कर दिया, मैंने फेस वाला लगा दिया, बिकॉज फॉर अपर लिप्स द फेस वन इज परफेक्ट, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है. सो लेट्स स्विच इट ऑन अगेन, यूज इट. This is how I use the Winston face and eyebrow trimmer. Super super easy to use and travel friendly as well. इसका लिंक मैं नीचे रिसेप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेक करना. And now we are completely hair free. So let's start with our skin care and makeup routine. Let's start with our Q&A now. Question number one is, what all have you studied and how did you take the decision of getting into YouTube? So I was a very studious child. मैं बहुत
ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स में नहीं थी, कोई यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसे काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कोई आर्ट में, कोई डांस में, कोई लिटरेचर टाइप में, मैं बिल्कुल भी नहीं थी, ओनली पढ़ाई पढ़ाई। मैंने 11th या 12th में जाके थोड़ा बहुत अपने आप को ग्रूम किया, जब मुझे लगा हाँ यार कॉलेज लाइफ पास आ रही है, थोड़ा बहुत तो पार्टिसिपेट करना चाहिए इन चीज़ों में। सो मैंने एक दो डिबेट कॉम्पिटिशन ऑल में पार्ट लिया, प्लस हम वो सोशल मीडिया जनरेशन से नहीं थे। आई रिमेंबर आई वॉज इन 12th जब शायद व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था, लोगों को धीरे पता चला था अच्छा व्हाट्सएप भी कोई चीज़ होती है। हम लिटरली वाली जनरेशन के हैं जब हम एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे, हम वो 100 messages वाला पैकेज लेते थे, टेक्स्ट हमें एक लिमिटेड वर्ड्स में करना होता था बिकॉज अगर हम उससे ज़्यादा लिख देंगे तो हमारे 1 रुपये से ज़्यादा कट जाएंगे। 12th में मैंने लिया था साइंस, विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर कंप्यूटर साइंस जो होता है CS, मैंने वो लिया था बिकॉज 11th से मैं क्लियर थी कि मुझे आगे जाके जो भी करना है कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करना है। मेरा मन तो इंजीनियरिंग करने का ही था ऑब्वियसली, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाता तो मैं बैकअप में जो भी करूँगी DU से कहीं से भी करूँगी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करूँगी बिकॉज मुझे शौक था IT, कंप्यूटर्स, कोडिंग का, मुझे टेक्नोलॉजी का काफ़ी शौक था। सो मैंने 11th में इसलिए ली, मेरी टीचर काफ़ी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि बायो लो बिकॉज जो टॉपर्स होते हैं ना टीचर चाहते हैं कि अच्छा मेडिकल में थोड़े से टॉपर बच्चे भी आए हैं ना, लाइक नो मैं बिल्कुल भी मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहती। मैं तब बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे CSE लेनी है कंप्यूटर साइंस। सो आफ्टर माई 12th ऑब्वियसली सब बच्चों की तरह मैंने सारे फॉर्म्स भरे, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भरा, एक दो प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं वो भी भरे। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस टाइम क्या था, कुछ नया ना रूल चेंज हुआ था, वहाँ पे एक 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आया था। उस टाइम पे उन्होंने जो उनकी BSc थी इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी समथिंग, वो चेंज करके वो 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बना दी थी और DU ने उसको नाम दिया था इंजीनियरिंग समथिंग। लेकिन वो जो इंजीनियरिंग की डिग्री देते वो अप्रूव नहीं थी, वो कहीं से भी ऐसे प्रॉपर एफिलेटेड डिग्री नहीं थी। सो आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने वो नहीं लिया। मैंने फिर जो IP का एग्जाम दिया था उसके थ्रू मैंने IP कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मेरी रैंक के थ्रू मुझे मिला गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ इन हरिनगर। वो भी मुझे ओपन हाउस में मिला था बिकॉज फर्स्ट लिस्ट पे मेरा नाम आया था कोई HMR में आया था, सेकंड लिस्ट पे मेरा कोई NICA कॉलेज था उसमें आया था। उसके बाद क्या होता है IP में, क्या होता है जब आखिरी में पूरे एडमिशन क्लोज हो जाते हैं जो लिस्ट के थ्रू होते हैं, उसके बाद कुछ सीट्स बचती हैं बिकॉज ऑब्वियसली सारी सीट्स तो फुल नहीं होंगी, तो काफ़ी जो सीट्स होती हैं वो बच जाती हैं। सो जो सीट्स बची थी मैं वहाँ पे गई थी, मैं DD बनवा के लेके गई थी बिकॉज जो सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आया था वो बहुत दूर कॉलेज था, मतलब मैं 3-4 साल इतना स्ट्रगल नहीं करने वाली। सो ओपन हाउस में मुझे लकीली GT/IT मिल गया और मेरे घर से काफ़ी पास था, वेस्ट दिल्ली में ही आता था, तो आई वाज लाइक ये परफेक्ट है। इवनिंग शिफ्ट मिली बट स्टिल आई वाज वेरी हैप्पी। सो मैंने लिया BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने BTech करी है IT में एंड कट 2-4 साल हो गए अच्छे से पढ़ाई करी। अगेन मैं पढ़ाकू थी तो मैं पढ़ाई भी अच्छे से करती थी, कोडिंग में मैं काफ़ी ठीक थी, ओके थी, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत अच्छी थी कोडिंग में, लेकिन मैं ओके थी। सो कोडिंग में मैं ठीक ठाक ही करती थी। सो उसके बाद प्लेसमेंट्स आए, अब प्लेसमेंट्स क्या होता था जितनी कंपनीज आती थी मोस्टली दिल्ली से बाहर की कंपनी होती थी। इन्फोसिस आई थी, वो भी बैंगलोर की कंपनी थी, काफ़ी सारी कंपनीज बाहर की थी एंड माय फैमिली वाज वेरी क्लियर कि दिल्ली से बाहर नहीं भेजना। माय मदर वाज वेरी क्लियर कि बेटा इतनी दूर में नहीं भेजने वाली, दिल्ली में कोई कंपनी है वहाँ पे काम कर लो। एंड क्या हुआ, जो मेजर जो शिफ्ट आया जिसकी वजह से मैं आज शायद इस करियर में आई हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो कॉलेज का जो 4th ईयर होता है ना उसमें सबको बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करो बिकॉज आपको इंटर्नशिप का अपना दिखाना होगा अपने 3-4 महीने गर्मियों की छुट्टियों में क्या किया। तो उस टाइम भी मैंने जॉब नहीं करी बिकॉज आई डोंट नो, देयर समथिंग इनसाइड मी जो मोटिवेटेड नहीं रहता जॉब करने के लिए। सो उस टाइम मेरा मन नहीं था कोई इंटर्नशिप या जॉब करने का। सो मैंने उस टाइम कोर्स कर लिया था डिजिटल मार्केटिंग में और 2016 की बात है, 2016 में नया लॉन्च हुआ था, मतलब एक नई वेव आई थी डिजिटल की बिकॉज उस टाइम सोशल मीडिया थोड़ा सा चल रहा था, एक बूम पे जा रहा था धीरे धीरे, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। सो उस टाइम नए लॉन्च हुए थे, अब तो लिटरली गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में आपको कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे, पहले ऐसा नहीं होता था। सो मैंने डिजिटल मार्केटिंग जब करी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। सो उसमें क्या होता है जब वो आपको सिखाते हैं ना, दे टेल यू कि या तो कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओ या फिर कोई ब्लॉग बनाओ। एक वेबसाइट आपको खरीदनी होती है, आप डोमेन लेते हो, होस्टिंग लेते हो, सब कुछ करते हो बिकॉज उससे एक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है। तो उस टाइम मैंने एज अ प्रोजेक्ट एक डोमेन बनाया बाय द नेम ऑफ फैश मेक स्टाइल, जो ये ब्लॉग बनाया था फैशन मेकअप लाइफस्टाइल का। मैंने काफ़ी एक्टिवली ब्लॉग लिखने शुरू करे, मुझे मजा आने लगा। तो मैंने लिटरली अपना जो 4th ईयर था बिकॉज ये 4th ईयर से पहले वाली छुट्टियां थी, उसके बाद हमारा 4th ईयर शुरू होना था, तो कंप्लीटली जो मेरा 4th ईयर था मैं ऐसे मैंने वो ब्लॉग ले ही लिया था। तो मैं उसमें ब्लॉग्स लिखती थी, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे डालती रहती थी, मैं उस टाइम ब्लॉगिंग काफ़ी एक्टिवली करती थी और मैंने 1 साल तक वही किया और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया बिकॉज मुझे रिव्यूज़ करना बहुत पसंद था। मुझे बचपन से ना ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने का शौक था, मैं सबको ऐसे रिकमेंड करती थी, सबको बताती थी अच्छा आप ये यूज़ करो ये बहुत अच्छा है। मेरा बचपन से एक कैलिबर था, एक होता ना इंटरेस्ट होता है हर चीज़ रिव्यू करने में, समझाने में। सो मुझे फील काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड कट टू इंजीनियरिंग गॉट ओवर, मुझे
इंजीनियरिंग के थ्रू एक प्लेसमेंट भी मिली थी, आई थिंक वो 2.5 लाख पर एनम का कुछ पैकेज था, एक कंपनी थी, टेक में मेरी जॉब लग गई थी, बट वहाँ से मुझे कॉल ही नहीं आया। मतलब हमने काफ़ी कॉलेज में कंप्लेन करी, यार कॉल नहीं आ रहा कंपनी से, हम वेट कर रहे हैं 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कॉलेज खत्म होने के बाद मैं आपको बता रही हूँ। और उस टाइम पर मैं ये एक्टिवली कर रही थी, ब्लॉगिंग कर रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था ब्लॉग्स लिखने में, मुझे एक दो कोलैबोरेशन भी मिल गई थी, सो वाज वेरी हैप्पी कि यार ये भी एक साइड हसल टाइप बन गई है। सो मीनवाइल उस टाइम मैंने डिजिटल मार्केटिंग की कहीं जॉब अप्लाई कर दी थी और मेरा लग गया था, सो मैंने वहाँ पे भी जाना शुरू कर दिया कि चलो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ही कर लेती हूँ। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, मेरे से जॉब नहीं हो पाती, एक वीक में ही मैं रो पड़ी। आई रिमेंबर आई मेट अमन हु इज़ माई करंट हस्बैंड नाउ, हु वॉज माई बॉयफ्रेंड देन, आई मेट हिम एज लाइक मैं नौकरी नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं एक वीक बैठी हूँ, मैं लिटरली वॉशरूम में जा जाकर रोती थी, बिकॉज आई डोंट नो देयर वाज समथिंग इनसाइड मी वाज नॉट कन्विंस्ड टू फॉर डूइंग अ जॉब, इट इज नॉट इंस्पिरेशनल एट ऑल। मैं सबको ये बोलूँगी प्लीज़ MNC में काम करो, 1 या 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस इंसान को बिल्कुल बदल देता है, वो एक्सपीरियंस मैं नहीं ले पाई, बट आई वुड एडवाइज यू भी करनी चाहिए, ऐसे क्विट नहीं करना चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग वेर आई फील लाइक अ क्विटर कि मैंने वो चीज़ अच्छे से नहीं करी, बट चलो ठीक है। सो वो भी मैंने छोड़ दी थी। एंड उसके बाद इन 1 जनवरी 2018 विच वॉज लाइक 1 ईयर आफ्टर माई इंजीनियरिंग, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, बिकॉज मुझे लिखने में मज़ा नहीं आ रहा था। आई वॉज लाइक मैं बोलती अच्छा खासा हूँ यार, तो ज़रा कैमरा उठा के ज़रा बोलना शुरू करती हूँ, बिकॉज मुझे बोल के रिव्यूज़ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके लेट्स कंसील माई फेस साइड बाई साइड, आई एम यूजिंग माई मेबलिन का एज डिवाइन कंसीलर। मैंने पहले क्वेश्चन में इतनी लंबी स्टोरी बता दी, बट ठीक है, मुझे आपको अच्छे से बैक स्टोरी बतानी है ताकि आप अच्छे से मेरे से कनेक्ट कर पाओ। तो मैंने चैनल शुरू किया, मेरी फर्स्ट वीडियो थी बेस्ट एलोवेरा जेल्स इन इंडिया समथिंग, मैंने वीडियो बनाई थी बिकॉज मैं एलोवेरा जेल्स काफ़ी यूज़ करती थी। सो आई रिव्यूड ऑलमोस्ट 4-5 एलोवेरा जेल्स इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, और वो इनिशियली ठीक चली, बट सडनली वो बहुत अच्छी चलने लगी, मतलब उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे और मैं हो गई पंप की, वाह यार मेरी पहली वीडियो भी बढ़िया चलने लगी। सो ये चैनल मैंने जैन में शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा मुझे थोड़ा सा और आगे पढ़ना चाहिए, खाली बैचलर्स की डिग्री ना आजकल इनफ नहीं होती, सब कहते हैं कि थोड़ी बहुत अच्छी डिग्रीज होनी चाहिए। सो मुझे लगा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे ये अकल आ गई कि डिग्री मैटर नहीं करती, इट इज़ ऑल अबाउट द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि MBA तो नहीं करनी, बिकॉज कहते हैं ना इंजीनियरिंग मौत होती है और MBA 13वीं होती है, समथिंग लाइक दैट, एक बहुत फनी लाइन है। बिकॉज यार देखो, जिनको कंप्लीटली MNC जॉब में जाना है, हैट्स ऑफ टू यू, आप जा सकते हो, बट मैं उस टाइम क्लियर थी कि मुझे जॉब करनी ही नहीं, तो इससे बेटर मैं एक ऐसा कोर्स लेती हूँ जो मेरे काम आए। एक क्वेश्चन किसी ने वो भी पूछा है, तो आपको साइड बाय साइड इसका भी आंसर मिल जाएगा। सो मैंने फिर YMCA ज्वाइन किया 2018 में, जिस साल मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था। आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन PR एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, एंड दिस स्पेसिफिक कोर्स इज ऑल अबाउट PR एंड एडवर्टाइजिंग। लाइक अभी मैं कितनी सारी PR एजेंसीज के साथ काम कर रही हूँ, मार्केटिंग कर रही हूँ, एडवर्टाइजिंग, और ये कोर्स का जो मैं सिलेबस देख के आई थी ना, इट वॉज कम्प्लीटली अबाउट ऑफलाइन मार्केटिंग। मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल में पढ़ ली थी, सो मेरा मन था ऑफलाइन अच्छे से मार्केटिंग पढ़ने का, और MBA नहीं करनी थी मुझे। सो आई फेल्ट लाइक ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, और उस टाइम पे ये YMCA से मुझे पढ़ा था 1,20,000 समथिंग का प्राइवेट कोर्स था, डेली 2.5 घंटे की क्लासेस होती थी, और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग उसमें सब्जेक्ट्स थे। मुझे वो एक साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा ने बहुत कुछ सिखाया, मेरे वो नोट्स अभी भी मेरे पास रखे हैं। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाती भी थी ना, मैं वो नोट्स रिवाइज करके फिर बच्चों को पढ़ाती थी। सो या आई कैन से कि मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री के कंपैरिजन में ये PGD की डिग्री ज़्यादा काम आई है, बिकॉज मैंने एक स्पेसिफिक नीच में करी थी। और आजकल ट्रेंड ही यही है कि जब तक आप डीप डाउन जाके एक पर्टिकुलर कोर्स को नहीं पढ़ते ना, आप उस चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकते। टू मेक यूट्यूब वीडियोज, कोलैबोरेशन मुझे उस टाइम अच्छी मिलने लग गई थी, बिकॉज उस टाइम यूट्यूब नया नया था, मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं करते थे, द OG यूट्यूबर्स वाला एक श्रेया जैन, दीपाश्री, बहुत कम लोग उस टाइम यूट्यूब चैनल पर इतना एक्टिव थे, कोई इतना व्लॉगिंग नहीं करता था, ज़्यादातर रिव्यूज़ ही चलते थे। व्लॉगिंग का ट्रेंड अब जाके आया, उस टाइम व्लॉगिंग का भी इतना ट्रेंड नहीं था, लोग ज़्यादातर रिव्यूज़ ही करते थे। सो मेरे रिव्यूज़ बहुत चले, एंड वो एक फेज था जब मुझे PCOD हिट किया था, मुझे बहुत भयंकर एक्ने हुए थे, माई होल फेस वॉज लाइक फिल्ड विद पस्टूल्स, जो पस वाले एक्ने होते हैं, जो बड़े बड़े हॉर्मोनल इश्यूज वाले एक्ने होते हैं। आई वॉज ऑन मेडिकेशन एट दैट टाइम, उस पर वीडियो बनाई थी, वो मेरी काफ़ी अच्छी चली, एंड उसके बाद मेरी एक नीच बन गई ऑन एक्ने स्किन केयर, बिकॉज मेरी जर्नी से बहुत लड़कियों ने कनेक्ट किया। एंड या आई कैन से कि अब मेरी एक डेडिकेटेड एक्ने स्किन केयर की नीच है जो मेरे से रिलेट करती है, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ यूट्यूबर। आई लेफ्ट माय इंजीनियरिंग का पैशन एंड जॉब का जो भी कीड़ा था अंदर, वो सब छोड़ के मैंने फुल टाइम यूट्यूब ज्वाइन किया, एंड आई एम डूइंग इट फुल टाइम नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ ब्रांड एज वेल, मैं एक क्लोथिंग ब्रांड भी रन कर रही हूँ। सो दिस इज माई फुल टाइम बिजनेस नाउ। किसी ने पूछा है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट 1,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मोनेटाइज। नाउ ये भी एक अलग कहानी है, बाय द वे मैंने कंसीलिंग अच्छे से कर ली, अब थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा लेते हैं। सो मेरे टाइम पे मोनेटाइजेशन में भी
भी इशू हुआ था, मतलब मैं जो भी फील्ड में जाती हूँ ना, वहाँ कोई ना कोई रुकावट तो आती आती है, बट फाइनली चीज़ें हो जाती हैं। यूजिंग माई OG फिटमी का फाउंडेशन इन द शेड 220। सो उस टाइम यही था कि 10,000 व्यूज हुए आपके कोई भी वीडियो पे, तब शॉर्ट्स नहीं थे बाय द वे, शॉर्ट्स अभी रिसेंटली आई है। लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे 10,000 समथिंग व्यूज हुए और आपकी वीडियो मोनेटाइज हो जाएगी। लेकिन उस टाइम कोई बहुत बड़ा फेमस यूट्यूबर था, आई थिंक PewDiePie, उसने कुछ बहुत अजीब सा थंबनेल डाल दिया था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने पूरी पॉलिसी अपनी चेंज करी थी। बिकॉज इससे पहले लोग क्या करते थे, बहुत अजीब से थंबनेल डालते थे जो मिसलीडिंग होते थे, वल्गर होते थे, और फिर उनकी वीडियोस पे व्यूज आ जाते थे। तो यूट्यूब ने क्या किया, एक रूल चेंज कर दिया कि 4,000 वॉचर्स होने चाहिए एंड आपके होने चाहिए सब्सक्राइबर्स 1,000। सो 1,000 सब्सक्राइबर 1,000 है, तो मतलब आपके चैनल में ऑथेंटिसिटी है, लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। 4,000 वॉचर्स का मतलब है 4,000 घंटे आपने लोगों ने आपकी वीडियो को देखा है, एक वीडियो को नहीं, जितनी वीडियोज आपने डाली है। यूट्यूब क्या करता है, कैलकुलेट करता है, अभी भी हमें अपने डैशबोर्ड पर दिखता है कि पूरे महीने में हमारा वॉच आवर कितना है, हमारी अगर 2 मिनट की वीडियो अगर वो कितने लोग देख रहे हैं तो उसका टोटल वॉच आवर कितना बैठ रहा है। सो ये पूरा रूल चेंज हो गया और ये अचीव करने में मुझे 5-6 महीने लग गए, और इसकी वजह से मोनेटाइजेशन भी बहुत लोगों की स्टक हो गई थी। जिनके पहले रिसेंटली मोनेटाइज हुए थे ना चैनल, उनके भी दोबारा डीमोनेटाइज हो गए थे, बिकॉज यूट्यूब वॉज लाइक अब पहले ये हिट करो फिर बात करेंगे। फिर मेरे जो चैनल मोनेटाइज हुआ, आई रिमेंबर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 27 जून ऑफ दैट ईयर, बिकॉज 27 जून इज माई हस्बैंड्स बर्थडे, अमन का बर्थडे आता है 27 जून को, और उसी दिन मुझे मेल आया था फ्रॉम यूट्यूब कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली चलता रहता है, एंड यूट्यूब के जो भी लोग अर्निंग पूछते ना, बताओ क्या अर्निंग है, कितना कमाते हो, इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब कुछ महीने आप शायद 10,000 भी नहीं कमाओगे, कुछ कुछ महीने आपकी वीडियो इतनी अच्छी चल जाएगी कि आप 40-50,000 भी टच कर लेते हो, सो यू नेवर नो। ऐसे 40-50,000 मेरा आज तक टच नहीं हुआ है, मेरी इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं रहती यूट्यूब पर, बिकॉज मैं वायरल वीडियोज़ नहीं बनाती। अभी भी मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ रिव्यूज़ पे, क्वालिटी कॉन्टेंट देने में, मैं फैमिली ड्रामा, फैमिली व्लॉग्स ऐसा कुछ नहीं बनाती, सो मेरी अर्निंग इतनी नहीं है। बट जो लोग बनाते हैं ऐसी वीडियोज़ जिनके अच्छे व्यूज़ आते हैं, वो ट्रस्ट भी महीने के 1-1.5 लाख भी आराम से कमाते होंगे। मेरी बिल्कुल भी इतनी यूट्यूब से अर्निंग नहीं है। नेक्स्ट किसी ने पूछा है, हाउ डिड योर फैमिली एंड हिज फैमिली एक्सेप्टेड इंटरकास्ट मैरिज। ये भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपकी शादी कैसे हुई। तो देखो, इंटरकास्ट तो किसी भी फैमिली ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ ठीक है, हमारे बच्चे ने बोला ऐसे शादी करनी है तो करा देते हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, एंड आई बिलोंग फ्रॉम लाइक ऑर्थोडॉक्स राजपूत सॉर्ट ऑफ फैमिली, जहाँ पे बहुत लाइक टाइम पे लड़कियों की शादी हो जाती है। लाइक वंस यू हिट लाइक 24-25 आपने रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे बिलीव कि हाँ भाई टाइम पे शादी होना जरूरी है। सो या मेरी भी जब 24-25 की एज हिट हुई, ऑब्वियसली माई फैमिली वॉज वरीड, एंड मेरे फादर की डेथ तो 12th के टाइम ही हो गई थी, मेरे 12th बोर्ड्स के टाइम ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी। सो द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी वॉज ऑन माई मदर एंड माई एल्डर ब्रदर। सो या जैसे एक सोसाइटल प्रेशर होता है ना कि यार टाइम पे शादी कराओ, टाइम पे शादी कराओ बेटी की, एंड अगेन माई मदर इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन। सो या ऐसे करते करते बड़े रिश्ते आए, मैंने बड़े रिश्ते रिजेक्ट करे। देर वॉज वन ऑफिशियल रिश्ता मीट एज वेल, एक अरेंज मैरिज की प्रॉपर एक मेरी रिश्ता मीट हुई थी, जहाँ पे मैं लड़के से मिली थी, एंड आई वॉज लाइक यार मुझे नहीं शादी करनी। मैं तो उसको लिटरली साइड में जाके बोल के भी आ गई थी, यार अभी मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रही हूँ, इतना मेरा मन नहीं है शादी वादी करने का। सो आई थिंक्स डिडंट टर्न आउट दैट वे, एंड 1 साल हुआ, 2 साल आई थिंक, 26 or 27 when I told my family कि भाई ऐसा ऐसा है, आई लाइक समवन हु इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, ऑब्वियसली आई एम हिंदू एंड ही इज़ अ सिख, सो थोड़ा टाइम लगता है, एक झटका तो लगता है एक्सेप्ट करने में कि ओ माई गॉड आई बिलोंग फ्रॉम राजपूताना कल्चर, एंड हमारे में तो इंटरकास्ट भी बड़ा एक बहुत हवा बन जाता है सोसाइटी में कि वो राजपूत ने बनिया से कर ली, जाट से कर ली, पंडितों में कर ली, एंड मेरी तो इंटरकास्ट भी नहीं थी, मेरी लिटरली इंटर कल्चर थी, विच इज़ लाइक बिल्कुल ही लंबा छलांग मारने वाली सीन हो गया कि बिल्कुल ही आई एम अ हिंदू एंड मैरिंग अ सिख। सो या थोड़ा टाइम लगा एक्सेप्ट करने में। मैंने एक दोबारा अपनी मदर से अमन को मिलवाया, एंड शी लाइक हिम। एक होता ना कि माँ बाप की एक इंस्टिंक्ट होती है कि वो मिलते ही समझ जाते हैं, दे जज द वाइब वेरी इजिली, एंड शी कैन लाइक द वाइब, शी मेट हिम, शी लव्ड इट। मतलब एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, एंड व्हेनेवर यू मीट माई हस्बैंड यू विल रियलाइज देयर इज अ वेरी नाइस पॉजिटिव जॉली वाइब्स फ्रॉम दैट मैन। एंड या इवेंचुअली पूरा मीटिंग सेटअप हुआ, हम सब मिले, और मैंने ही बोला था, मेरी साइड से प्रेशर था, सो आई कन्विंस्ड हिम कि यार टाइम पे शादी करनी है, बिकॉज मेरे घर पे शादी का प्रेशर है। आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटी का ब्लश, थोड़ा सा एक ब्लशी लुक के लिए। सो या वी मेट, हम एक रजौरी में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम मिले थे, अमन की पूरी फैमिली आई थी, मेरी पूरी फैमिली आई थी, वी मेट ईच अदर, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अभी रोका ही कर लेते हैं। सो इन सितंबर 2022 आई गॉट रोका फाइट, 4th September इट वॉज, एंड देन इट वॉज लाइक मैरिज का क्या करना। उस टाइम पे ऑब्वियसली हमने इतना डिसाइड नहीं किया था, बट माई फैमिली वॉज वेरी क्लियर कि एक बार रोका हो जाएगा तो हमें शादी में ज़्यादा गैप नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि रोका हो गया एंड देन शादी हम बाद में देख लेंगे, देख ही जाएगी, नहीं, मेरी फैमिली से बहुत क्लियर था। सो आफ्टर दैट ओनली वी डिसाइडेड द मैरिज
डेट, आई थिंक दिसंबर में हमारी मैरिज डेट डिसाइड हो गई थी, बिकॉज बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी हुई आजकल. जैसे शादियाँ डिसाइड होती हैं 5-5, 6-6 महीने पहले, स्पेसिफिकली लव मैरिज तो वैसे भी लोग पहले से ही जानते हैं, बात बात करके रखते हैं. सो लोगों के जैन में अप्रैल में रोके होते हैं, दिसंबर में शादियाँ होती हैं. मेरा ऐसा नहीं था, सेप्टेम्बर में रोका हुआ एंड फेब में मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई थी. सो मेरे पास दिसंबर जैन ही था, बिकॉज फेब भी आप कंसिडर मत करो, वो वाला महीना तो पूरा केओस हो जाता है. सो मैंने 2 महीने में अपनी पूरी शादी की शॉपिंग करी है एंड वो जर्नी भी मैंने आप सबके साथ शेयर करी है, मेरा जो भी लहंगा जर्नी रही है. मैं लिटरली दिसंबर में जब लहंगा शॉपिंग के लिए जाती थी ना, सब ये बोलते थे कि आपको अभी याद आया, आप लेट आए हो. मुझे ऐसा लगता है 2 महीने बहुत होते हैं लहंगा लेने के लिए, बट ऐसा नहीं है यार. आजकल जो वेडिंग सीन्स का हाल चल रहा है ना, आजकल तो चांदनी चौक के लहंगे वाले भी कहते हैं कि 5-5, 6-6 महीने पहले आओ, अदरवाइज आपका लहंगा जो है वो नहीं बन पाएगा. सो या किसी ने पूछा है, योर एज, व्हाट मेड यू बिलीव यू शुड मैरी एट द एज यू वर मैरिड, यू आर मैरिड नाउ. वी गॉट मैरिड इन फेब 2023, सो वी वर 27, लेकिन 2 महीने बाद ही हम 28 के होने वाले थे. लाइक मेरा मे में बर्थडे आता है, उसका जून में आता है. सो यू कैन से काइंड ऑफ 28 में हमारी शादी हुई है, बिकॉज 2 महीने से मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं 27 की थी जब मेरी शादी हो गई. मी 28 इज लाइक द परफेक्ट एज. आई नो अब बहुत लोग बोलेंगे ऐसे कोई परफेक्ट एज नहीं होती शादी की, जब आपको लगता है आपको मिल जाए तब कर लेना चाहिए. मैं भी यही कहती हूँ, देखो मुझे अपना सोलमेट मिल गया, लाइफ पार्टनर मिल गया, तो मैंने डिसीजन ले लिया. ऐसा नहीं है कि आपको अभी ढूंढना है, 28 की उम्र में कोई नहीं मिलता तो आप डेलिबरेटली ढूंढोगे, टिंडर पे जाओगे, डेटिंग करोगे, ऐसा नहीं है. देखो अगर आपकी लाइफ में इंसान सही है, इफ़ यू आर रेडी फॉर इट, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. बिकॉज अब जितना लेट करोगे चीज़ें और लेट होती जाएंगी. देवर थिंग्स इन माई लाइफ जो मुझे भी शादी के बाद सॉर्ट आउट करनी थी, देवर थिंग्स इन हिज लाइफ जो उसको शादी के बाद सॉर्ट आउट करनी थी. एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू सेटल एट अ राइट एज, बिकॉज जब तक आप एक दूसरे को टाइम नहीं दोगे उसके बाद आप बेबी प्लान भी नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक 30-32 में शादी कर लेंगे फिर बेबी प्लान कर लेंगे, ऐसा नहीं है. हमें एक दूसरे को एज अ हस्बैंड वाइफ भी टाइम देना था, जस्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स टुगेदर, करियर में थोड़ा सा चेंजेस करने थे, थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना था. एंड इंडियन पेरेंट्स की तो मेंटालिटी आपको पता ही है, यू कांट ट्रैवल विदाउट मैरिंग ईच अदर, सो यू हैव टू गेट मैरिड बाहर घूमने के लिए भी. सो या एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आई थिंक राइट एज में शादी कर लेनी चाहिए. सो ये वाले क्वेश्चंस काफी लोगों ने पूछे हैं अलग अलग तरीके से. समवन हैज आस्क्ड व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन योर लाइफ आफ्टर गेटिंग मैरिड वर्सेस बिफोर गेटिंग मैरिड, योर लाइफ प्री एंड पोस्ट मैरिज, हाउ आर यू बैलेंसिंग मैरिड लाइफ एंड वर्क लाइफ. डू माई आईज साइड बाय साइड, आई एम यूजिंग दिस एल्फ का बाइट साइज पैलेट जो इतना सा आता है. आई एम जस्ट यूजिंग वन मैट शेड जो न्यूड वाला है, बिकॉज मैं एवरी डे सॉर्ट ऑफ लुक क्रिएट कर रही हूँ. ओके, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कैसे आप बैलेंस आउट कर रहे हो. देखो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग अबाउट माई करियर विच इज लाइक अ बून फॉर मी, कि 9 to 6 की फिक्स्ड जॉब नहीं है, या फिर मैं किसी और के अंडर काम नहीं कर रही कि जहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर आवर्स देने हैं, या फिर जब मुझे ये चीज करके देनी ही देनी हो. ऑफ कोर्स वी हैव डेडलाइन. काफी बार तो ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि आज प्रोडक्ट आओ कहते हैं कल आप वीडियो दे दोगे, एंड देन आई एम लाइक नो यार, लेट मी टेस्ट द प्रोडक्ट फर्स्ट, मुझे टाइम चाहिए, मुझे इसको ट्राई करके देखना है. ब्रांड्स के इतने चेंजेस होते हैं. जस्ट फॉर नॉलेज, अगर आपको लगता है इन्फ्लुएंसर लाइफ बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है. पहले तो डिस्कशन होता है, नेगोसिएशन होता है प्राइस को लेके, उसके बाद जब वो कैंपेन लॉक हो जाता है फिर प्रोडक्ट आता है, उसके बाद हमें ब्रीफिंग देनी होती है, हम पूरी एक स्क्रिप्ट बना के देते हैं ब्रांड को, फिर वो स्क्रिप्ट भी काफ़ी बार रिजेक्ट हो जाती है. ब्रांड कहती है नहीं ये चेंज करो, फिर हम स्क्रिप्ट में चेंजेस करते हैं, फिर हमें बैकग्राउंड भेजना होता है, आउटफिट भेजना होता है. जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है ना वो बहुत पर्टिकुलर होती हैं, सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दे दोगे वो एक्सेप्ट कर लेंगी. सो काफ़ी बार हमें आउटफिट का कलर, ब्रीफिंग, फिर हम शूट करके उनको भेजते हैं, फिर वो जो शूट करके क्लिप देते हैं उसी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, एंड फिर उसके बाद लाइट जाता है, एंड उसके बाद जो पेमेंट की साइकिल है आई कांट इवन टेल यू. जो जॉब वाले लोग हैं ना, इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर देम कि उनकी 31-30 तारीख को सैलरी आ जाती है. इट्स नॉट आर केस, हमारे केस में ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सैलरी आ गई, हमें लिटरली काफ़ी बार बैक करना पड़ता है कि 60 डेज हो गए. लिटरली हमारे साथ कुछ कुछ कंपनीज का साइकिल है 90 डेज, कि आप जो आज लाइट जाएगा 90 डेज बाद आपको उसकी पेमेंट मिलेगी, विच इज क्रेजी. बट ये थोड़े से कॉन्स हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के, बट इफ आई टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, जिसकी वजह से मैं एक वर्क लाइफ और अपनी मैरिज लाइफ इजीली बैलेंस कर पा रही हूँ, कि मैं अपनी मर्जी की सॉर्ट ऑफ एक मालिक हूँ कि मैं कभी भी काम कर सकती हूँ. मुझे पता है ये वीडियो मैं रात के टाइम ही शूट करके फिर अगले दिन रात को भी एडिट कर लूँगी, थोड़ी देर अपना किचन का काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ. एंड आई हैव रियली नाइस इन लॉज एज वेल, हुआ वेरी वेरी कोऑपरेटिव, हुआ वेरी वेरी सपोर्टिव. सो वेन एवर माई मदर इन लॉ सी मी वर्किंग, शी नेवर लाइक डिस्टर्ब्स मी और समथिंग लाइक दैट. शी नो कि वो काम कर रही है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती. एंड वेन एवर आई एम फ्री, वेन एवर आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अभी मेरे पास काम नहीं है, सो आई हेल्प हर इन द किचन एज वेल. सो या ऐसे ईजिली बैलेंस आउट हो जाती है. आई थिंक इट्स इज़ ऑल अबाउट योर फैमिली एज वेल. अगर आपकी फैमिली कोऑपरेटिव है आप ईजिली ऐसे काम कर सकते हो. सो डेफिनेटली आई वोंट से माई लाइफ आफ्टर और बिफोर मैरिज इज़ वेरी वेरी सेम, क्योंकि जैसे आप पहले थे आप वैसे ऑब्वियसली नहीं रह सकते. लाइफ ऑफ अ डॉटर एंड अ डॉटर इन लॉ इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. अ डॉटर इज़ अ फ्री चाइल्ड, एक इतना आज़ाद पंछी होती है,
आप कभी भी कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो फिरो, आप लिटरली तैयार होते हो, निकलते हो, बोलते हो कि अच्छा मैं मम्मी वहाँ जा रही हूँ, यहाँ घूमने जा रही हूँ, यू डोंट हैव टू टेक कंसेंट, या फिर आपको पहले से प्री प्लान नहीं करना होता, आपको शेड्यूलिंग नहीं करनी होती. अब ऑब्वियसली आई हैव टू मैनेज थिंग्स बिकॉज आई हैव अ फैमिली, आई एम अ डॉटर इन लॉ, आई हैव माई इन लॉज, आई हैव माई हस्बैंड. तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी कहीं भी चली गई, हैव टू प्लान एवरीथिंग. मुझे कहीं किससे मिलना भी होता है, अपने फ्रेंड से मिलना होता है, कहीं जाना होता है, सो मुझे पहले प्री इन्फॉर्म करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत अपना काम पहले से शूट करके रखती हूँ. सो ऑफकोर्स चीज़ों में डिफरेंस है, बट मेरे केस में इतना कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है. जैसे लोग मैं रील्स में देखती हूँ ना, वो जो सूट साड़ी पहन के आंटियाँ रो रही होती है, क्रिप कर रही होती है अबाउट मैरिज, मेरे केस में वो नहीं है. टचवुड, आई एम मैरिड इन टू अ वेरी ओपन एंड लिबरल पंजाबी फैमिली, वेयर माई इन लॉज आर वेरी वेरी सपोर्टिव, माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव. तो वो वाला मेरा कोई एज सच कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया. आई एम वेयरिंग द सेम क्लोज दैट आई यूज टू वेयर अर्लियर. माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी ओपन माइंडेड, ही पुशेज मी टू लाइक हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल इन टर्म्स ऑफ क्लोदिंग, इन टर्म्स ऑफ ईटिंग. एंड या आई थिंक चेंज आया है लाइफ में, बट आई थिंक आई कैन से बहुत पॉजिटिव और अच्छा चेंज आया है, एंड आई एम लविंग इट. कहते हैं ना कि जब भी आप शादी करो, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पर्सन, इट इज़ अबाउट द होल फैमिली. खाली आपको लड़के को की क्वालिटीज़ पर फोकस नहीं करना, यू हैव टू सी द होल फैमिली एज वेल. एंड मेरे केस में आई कैन proudly say the family is also very nice. आईना लगाती है, पूरी लुक कितनी चेंज हो जाती है ना. आई लव दिस क्लासिक विंग लाइनर. मैं पता नहीं कितने साल से ऐसा विंग लाइनर लगाती आ रही हूँ, बिकॉज मेरी कोई भी लुक होगी, इंडियन या वेस्टर्न, एक क्लासिक विंग लाइनर हमेशा होगा. डन विद बेसिक मेकअप, हाई लिपस्टिक रहती है. उससे पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. किसी ने पूछा है फ्रॉम वेयर यू डिड योर मुआ कोर्स, डज दे हैव अ ब्रांच इन अदर स्टेट्स. ये भी काफ़ी लोगों ने पूछा है अलग अलग तरीके से. सो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ मुआ कोर्स क्या है, बिकॉज सुनने में थोड़ा अजीब लगता है. इट इज़ एक्चुअली डिप्लोमा इन प्रोफेशनल मेकअप. सो मुआ, जिनको नहीं पता, इट इज़ मेकअप आर्टिस्ट की एक शॉर्ट फॉर्म होती है. बट मैंने जो कोर्स किया है, इट इज़ डिप्लोमा इन प्रोफेशनल मेकअप. मैंने किया है ओरेन अकेडमी से, और दिल्ली में इनकी बहुत ब्रांचेस हैं. मतलब दिल्ली में तो आजकल हर एरिया में ओरेन की ब्रांच खुल गई है. अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के कोर्सेज सिखाए जाते हैं. नेल का, स्किन का, हेयर का स्पेसिफिक कोर्स है, हेयर स्टाइलिंग का, देन एस्थेटिशियन के कोर्सेज हैं, मेकअप आर्टिस्ट के. और इसमें लेवल होते हैं, लेवल 1, 2, 3 हर फील्ड में. अगर आप एक कंबाइंड कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हो. लाइक अगर आपको अपना सैलॉन खोलना है, आपको एक फुल सर्विस कुछ काम करना है, तो आपको नेल्स भी आने चाहिए, आपको स्किन ट्रीटमेंट भी आने चाहिए, आपको हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, स्किन केयर सब कुछ आने चाहिए. तो आप इनका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स भी कर सकते हो. लेकिन मैंने जो किया वो स्पेसिफिकली मेकअप आर्टिस्ट में ही किया, बिकॉज मुझे मेकअप सीखना था. मेरा अभी भी इतना हाथ सेट नहीं हुआ, वैसे अब तो काफ़ी बेटर हो गया, लेकिन पहले तो मेरा आई शेडो एंड ऑल में बहुत मुश्किल से काम हो पाता था. आप देख सकते हो मेरी वीडियोज़ में, मैं इतनी ज़्यादा कोई अच्छी आई शेडो नहीं करती थी. तो इसलिए मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, बिकॉज मैं प्रोफेशनल लेवल पर सीखना चाहती थी. मुझे देखना था कि जो प्रोफेशनल मेकअप होता है वो कैसे होता है. और वहाँ पे खाली सिखाते नहीं है, वहाँ पे लिटरली आपको ग्रूम करते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट. या फिर आप किसी सैलून में जब जॉब करोगे, आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए, क्लाइंट को हैंडल कैसे करते हैं. जो आजकल ये मेकअप आर्टिस्ट क्रैश कोर्स कराते हैं ना एक दो हफ्ते का, वो लिटरली आपको वहाँ पे 6 महीने में सिखाते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी नाइस कोर्स. आई थिंक अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको करना चाहिए, या फिर आप बाहर जाना चाहते हो. ओरेन अकेडमी इंडिया में फेमस ही इसलिए है बिकॉज ये आपको सर्टिफिकेशन कोर्स दे रही है जो NSDC अप्रूव्ड है. ये कैनेडियन वेरीफाइड इंस्टीट्यूट है. तो अगर आप कैनेडा जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, तो इनके कोर्सेज काफ़ी काम आते हैं. इसके थ्रू आप साइड बाय साइड वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो. आप वहाँ पे नेल्स का, स्किन का, कोई सैलॉन में जॉब कर सकते हो, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट का. बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, उनको जॉब की तो जरूरत होती ही है. तो ऐसे कोर्सेज काफ़ी काम आते हैं. क्वेश्चन आपने पूछा है कि इट इज़ डू दे हैव अ ब्रांच इन अदर स्टेट्स. इनकी ब्रांच पंजाब में है एज फार एज आई नो. आई थिंक हरियाणा में भी है. मुझे ना ऊपर की साइड पता है, नॉर्थ इंडिया मुझे पता है इनकी काफ़ी ब्रांचेज है. आई एम नॉट श्योर कि बाकी स्टेट्स में है नहीं है. मैं नीचे वेबसाइट डाल दूँगी ओरेन की, आप चेकआउट कर सकते हो उनकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है. आजकल की मेरी फेवरेट ट्रिक है कि एक डार्क कलर के लिप लाइनर से लिप्स फिल इन कर लो, उसके बाद कोई भी लाइट कलर का लिप ग्लॉस ले लो. कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस है, इसकी मैंने अभी शॉर्ट्स भी डाली है. अगर आप मेरी शॉर्ट्स नहीं देखते, प्लीज देखा करो. वाइटी शॉर्ट्स पे मैं काफी सारे रिव्यूज डाल रही हूँ जो बहुत काम आने वाले हैं. सो ये ग्रीन कलर का दिखता है, लेकिन ये कलर चेंज कर लेता है. pH बेस्ड लिप ग्लॉस है ना, तो थोड़ा सा शेड इसका डार्क हो जाएगा. But this is how it looks like right now. Next question ने पूछा है, what is your thought on marriage? Like any tips for future bride on self preparation or motivation? मैंने सारी future brides के लिए काफ़ी videos बनाई हुई है. मेरी पूरी लहंगा journey, जो मैंने लहंगा ढूंढा था, पूरी उसके ऊपर एक video है. मैंने पूरा explain किया है कि मैं कौन कौन सी market में गई. मैंने उसमें काफ़ी सारा ज्ञान भी दिया है कि आपको कौन सी market से किस तरह का सामान लेना चाहिए. सो आप वो video देख सकते हो. मैं यहाँ का link कर दूँगी या फिर नीचे description box में डाल दूँगी. इसके अलावा there is a whole video of my wedding outfits जो मैंने पूरा journey अपने share करी है, not just about
अबाउट आउटफिट्स कि कहाँ से क्या शॉपिंग करनी चाहिए, हल्दी मेहंदी का, रिसेप्शन का, सगन का, मेकअप आर्टिस्ट, चूड़ा, ज्वेलरी, सब कुछ मैंने शेयर किया है। तो मैंने वो सारे थॉट्स वहाँ पर बताए हैं, सो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, बिकॉज यहाँ पर तो मैं ऑब्वियसली बता नहीं सकती। जो भी टिप्स हैं मैंने उस वीडियो में भर भर के कशिका ज्ञान दिया है, सो आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट किसी ने पूछा है, आर यू प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ इंडिया सून? नो, नॉट एट ऑल। आई एम समवन हू इज़ लाइक अ बिग मेरा भारत महान सॉर्ट ऑफ पर्सन। जो काजोल थी ना K3G में, मैं बिल्कुल वैसी हूँ कि मेरा भारत महान, बिकॉज आई फील लाइक दिस इज माई रूट्स, मैंने यहाँ से ग्रो किया है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज माई करियर। मेरा करियर ऐसा है कि मैं अगर यहाँ इंडिया से छोड़ूंगी तो मैं जीरो हो जाऊँगी, बिकॉज मैं इंडियन ब्रांड्स के साथ वर्क करती हूँ, मेरी ऑडियंस सारी इंडियन है। मैं मेजर जो अर्निंग होती है एफिलिएट बेसिस पे होती है, लाइक हम जो लिंक्स शेयर करते हैं, जो कोड शेयर करते हैं, वो सारे इंडियन ऑडियंस खरीदती है। और अगर मैं बाहर चली गई तो ये काम नहीं हो पाएगा। वहाँ जाके मुझे स्क्रैच से सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा, स्क्रैच से एक ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी। वहाँ पे मुझे नहीं पता मुझे वो ब्रांड कोलैब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी। सो अभी राइट नाउ वी आर नॉट इन अ लाइक स्पेस टू लीव इंडिया, बिकॉज मेरे हिसाब से अभी इंडियन मार्केट में बिजनेस और ये जो काम है ना, ये बहुत बूम पे चल रहा है और अभी अच्छा टाइम है अर्न करने का, कैप्चर करने का। फ्यूचर में 5-6 साल बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ आई शुड मूव आउट, या फिर मुझे अपने बच्चों के लिए एक अच्छी लाइफ वहाँ पे देनी है, या फिर मुझे यहाँ और भी कोई रीज़न हो उनकी यहाँ पे नहीं रहना, तो आई माइट मूव आउट। लाइक आई एज इन वी एज अ फैमिली, वी माइट मूव आउट द होल फैमिली, माई इन-लॉज, माई हस्बैंड, बट अभी आई थिंक वी आर नॉट इन दैट मेंटल स्पेस टू लीव इंडिया। सो या नेक्स्ट किसी ने पूछा है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड? ओके, अ जेमिनाई इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड, बिकॉज हमारे एक तो ड्यूअल माइंड्स होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है। आई एम अ रेस्टलेस सोल, मतलब मेरा ना जो कॉम्बिनेशन है, मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूरोलॉजी में बहुत मानती हूँ, आई एम अ नंबर 9 पर्सन, आई एम अ जेमिनाई, तो मेरा तो इतना एक्टिव माइंड रहता है ना हर टाइम। मैं मोस्ट ऑफ टाइम मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं कुछ किचन में कर रही हूँ, मैं जोन आउट होती हूँ, मेरा अपना कुछ दिमाग में चल रहा होता है। सो आई एम वेरी वेरी एक्टिव मेंटली एंड लाइफ स्टाइल, मेरी ऐसे हबड़ तबड़ वाली लाइफ स्टाइल रहती है। सो या स्ट्रेस होने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, लैपटॉप पे एडिटिंग, कोई फोन में क्लिप होगी उसको एडिट करके डालूंगी, रील्स, शॉर्ट्स, फुल टाइम लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना लूंगी, कुछ शूट कर लूंगी, देन मेरा ब्रांड है क्लोथिंग ब्रांड, उसके लिए शूट कर लूंगी, घर पे कुछ काम होगा उसमें हेल्प आउट कर दूंगी। अब मैंने जिमिंग ज्वाइन करी है, आई थिंक जिमिंग इज अ वेरी नाइस वे, लाइक जो मेरा अंदर का एक एग्रेशन था ना वो वर्कआउट से काफी अच्छे से निकल रहा है, ज़ुम्बा एरोबिक्स करके काफी मजा आता है। सो या जब भी मैं स्ट्रेस होती हूँ, आई थिंक आई जस्ट कीप माई सेल्फ बिजी। अगर आप ऐसे खाली रहोगे ना, खाली बैठे बैठे सोचते रहोगे, तो आपको स्ट्रेस और खाएगा। अगर मुझे लगता है मुझे अपने आप को रिलैक्स करना है कि हाँ यार बहुत काम कर लिया, थोड़ा मी टाइम होना चाहिए, तो मैं कुछ नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेती हूँ, शॉपिंग करने चली जाती हूँ, फैमिली से मिल लेती हूँ, किसी के साथ आउटिंग पे चली जाती हूँ। सो या दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ स्ट्रेस फ्री। एक सिमिलर क्वेश्चन आया, किसी ने पूछा है, योर एक्सरसाइज आई मीन हेल्दी जर्नी रूटीन आर यू वर्किंग ऑन अ डाइट टू? सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि मैं जिम कर रही हूँ, जुम्बा एक्सरसाइज एरोबिक्स वर्कआउट कर रही हूँ। सो या आई एम डूइंग जिमिंग, मैं अच्छे से एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, बिकॉज मेरी बॉडी की डिमांड है। अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँगी एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी बहुत लथार्जिक हो जाएगी, लेजी हो जाएगी। मेरे लिए वर्कआउट करना जरूरी है, एंड आई थिंक एवरी वुमन शुड वर्कआउट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लॉन्गर लाइफ, सबको वर्कआउट करना चाहिए। बट जहाँ तक डाइट का सवाल आता है, नहीं मैं कोई डाइट नहीं कर रही। आई नो थोड़ा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ डाइट नहीं करती, मैं सब कुछ खाती हूँ। मेरा वर्कआउट करने का मोटिव भी यही था कि मैं जो जंक भी खाऊँ ना, मैं उसको अच्छे से बर्न करूँ, ताकि मुझे गिल्टी फील ना हो। बिकॉज अगर आप जंक खाते रहोगे ना, वर्कआउट नहीं करोगे, तो वो और ज़्यादा हार्मफुल होगा। सो मैं ऐसे स्पेसिफिकली डाइट नहीं करती, बट आई मेड श्योर कि मैं हाई शुगर चीज़ें ना खाऊँ, मैं दिन में खाली एक ही बार कुछ मीठा खाऊँ, मैं वाइट शुगर नहीं खाती, मैं बिल्कुल भी चीनी नहीं खाती, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो जागरी या देसी खंड होती है मैं वो यूज़ करती हूँ। सो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो बना लूँगी, बट या डाइटिंग नहीं करती लेकिन वर्कआउट अच्छे से करती हूँ। द लास्ट क्वेश्चन ऑन माई इंस्टाग्राम, योर स्किन सीम टू बी फ्लॉलेस, इज इट ड्यू टू स्किन ट्रीटमेंट और वॉट हैव यू यूज टू हाइड द मार्क्स? फ्लॉलेस नहीं बोलूंगी, अभी भी जब मैंने फोकस जूमिन किया था आप देख सकते हो मुझे एक्ने मार्क्स हैं, थोड़े बहुत स्कारिंग है, पिट्स है, तो ऐसे कोई फ्लॉलेस मेरी स्किन नहीं है। बट येस, मेरी पहले से बेटर हो गई है, बिकॉज मैंने काफ़ी वर्क किया है, मैंने अपना रूटीन सुधारा है। आप मेरा रीसेंट स्किन केयर रूटीन भी देख सकते हो, मैं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती, सिंपल बेसिक रूटीन वर्क करती हूँ। मैं बीच बीच में क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स भी लेती हूँ, मैं हाइड्रा फेशियल, क्लियर लिफ्ट, ऐसे डर्मैट के फेशियल्स लेती हूँ ताकि मेरी स्किन क्लीन रहे। इसके अलावा मैं शुगर कम से कम खाती हूँ, कोशिश करती हूँ शुगर इनटेक कम करूँ। सो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आई कैन से माई स्किन इज बेटर, बट इट इज़ नॉट एट ऑल फ्लॉलेस, लेट मी जस्ट क्लियर इट। नेक्स्ट किसी ने पूछा है, हु इज़ रनिंग योर बिजनेस कश्माना? सो कश्माना इज ओन्ड बाई
वी, सो विच इज मी एंड माई हस्बैंड, आप नेम से भी जज कर सकते हो. इट इज कशिका एंड अमन विच इज कशमाना. सो ऑफकोर्स वी बोथ आर बिजनेस पार्टनर्स इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस. ये हमारा फ्यूचर गोल है, जो भी करेंगे साथ में करेंगे. सो या बट मेजरली जो भी ऑपरेशन है वो मैं हैंडल करती हूँ, बट अमन सपोर्ट्स मी रियली वेल. हम जो भी मैं लेके आती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम बनवा नहीं रहे हैं, अभी मेरी कोई अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरी अपनी कोई डिजाइनिंग नहीं है. अभी मैं वेंडर्स जो होते हैं वहाँ से पिकअप करती हूँ, खुद जाती हूँ जो होलसेल मार्केट्स होती है जहाँ पे ये मिलते हैं, जो खाली डीलर्स को ही देते हैं, वहाँ पे जाके कपड़े सेलेक्ट करना अमन मेरे साथ जाता है. ही हेल्प्स मी रियली वेल. इनफैक्ट काफ़ी सारे कपड़े तो उसी की सिलेक्शन है, वो मुझे इस केस में हेल्प करता है. जो प्राइसिंग सेट करनी होती है वो काफ़ी गाइड करता है, बिकॉज ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज उसको काफ़ी अच्छी है. सो वी आर वर्किंग टुगेदर. लेकिन जो भी ऑर्डर्स पैक करने होते हैं, जो भी कस्टमर से डीलिंग होती है, वो मैं तो या तो मेरी टीम करती है या फिर मैं करने की कोशिश करती हूँ. सो या बट ओनर्स आर वी हस्बैंड एंड वाइफ. आई जस्ट हैव 1 मिनट लेफ्ट इन माई मेमोरी कार्ड, लेकिन अभी भी काफ़ी आई थिंक सबके क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए. बाकी सब तो ऐसी थोड़े बहुत ऐसी लवी डबी वाले क्वेश्चन है. आपकी लव स्टोरी, एनी स्वीट मेमोरी विद योर हस्बैंड व्हेन ही वाज योर बॉयफ्रेंड. आई एम प्लानिंग, मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पार्टनर कन्विंस करूँ, मेरे साथ बैठो, एक लव स्टोरी शूट कर लो, एक क्यू एन ए शूट कर लो, बिकॉज मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है मेरे हस्बैंड को. अभी तो फिलहाल इज अ वेरी कैमरा शाय पर्सन, बट अगर पॉसिबल होगा तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं डेफिनेटली वहाँ पे करूँगी. सो दैट इज इट फॉर माई क्यू एन ए. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मैंने जो भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज़ करें उन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल. इसके अलावा अगर आप और कोई टाइप की वीडियो देखना चाहते हो, एनी रिक्वेस्ट और रिव्यू यू हैव, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. या फिर कुछ और क्वेश्चन पूछना रह गया तो वो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई डेफिनेटली आंसर दैट. एंड या दैट इज टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.